हिमाचल प्रदेश की समाज सेवी और सामाजिक कार्यों के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित बाबा इकबाल सिंह का आज निधन हो गया। बता दें कि बाबा इकबाल सिंह 96 साल के थे। पीएम मोदी और हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ कई नेताओं ने उनके निधन पर दुख जताया। बाबा इकबाल सिंह कलगीधार सोसाइटी ट्रस्ट के अध्यक्ष और बारू साहिब मुख्यालय वाले बारू साहिब संगठन के तहत चलने वाला इटरनल यूनिवर्सिटी के चांसलर थे। बता दें कि पद्मश्री बाबा इकबाल सिंह का शनिवार को हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के बारू साहिब में निधन हो गया। हाल ही में बाबा इकबाल सिंह का नाम सामाजिक कार्यों के लिए भारत सरकार यानी कि इंडियन गवर्नमेंट की ओर से पद्मश्री पुरस्कार 2022 के तहत पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने की लिस्ट में भी आया था। बाबा इकबाल सिंह कलगीधार सोसाइटी ट्रस्ट के अध्यक्ष और बारू साहिब मुख्यालय वाले बारू साहिब संगठन के तहत चलने वाले इंटरनल यूनिवर्सिटी के चांसलर थे। बारू साहिब की टीम के जसप्रीत सिंह ने कहा है कि बाबा इकबाल सिंह जी पिछले कुछ समय से काफ़ी बीमार थे। वो 1 महीने से निजी हॉस्पिटल में भी एडमिट थे। उन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई थी और शुक्रवार को बारू साहिब पहुँचे थे। बाद में शनिवार को उनका निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामाजिक कार्यकर्ताओं और पद्मश्री से सम्मानित बाबा इकबाल सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया गया। नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट।